धर्म थर्ड स्टैंडर्ड हम लाए हैं लिटिल बाय लिटिल पोएम टेक्स्ट बुक का हमारा पार्ट हो गया है, लेसन भी हमने फिनिश किया है। आज हम देखेंगे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं एक्स्ट्रा वो हम सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बोला था कि आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है, जितनी टेक्स्ट बुक आप पढ़ोगे उतने क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो भी हमारी वर्कबुक जो है आइडियल वो बहुत अच्छी है, उन्होंने आपको लिखा हुआ भेजा है, आपको पढ़ के उसके क्वेश्चन आंसर्स उसी में से लिखने हैं। फर्स्ट है हमारा रीड द गिवन स्टैंजर्स ऑफ द पोएम केयरफुली। ठीक है, हमको ये केयरफुली पढ़ना है। फिर यहाँ पे जो दिया है उसमें से हमको आंसर ढूंढना है एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। लिटिल बाय लिटिल एंड अकॉन सेड एज इट इज स्लोली सैंक इन इट्स मॉस्टी बेड। उनका जो मॉस्टी बेड मतलब बच्चों जो गिलगिला होता है मिट्टी से भरा हुआ, हम पानी डाल देते हैं क्योंकि हम हमारे पौधों को बहुत ही फ्रेंडली वे में बड़े करते हैं, तो वो मॉस्टी बेड होता है उसमें से उनको पोषण मिलता है। अगर आप उनके लिए मॉस्टी नहीं रखोगे, अगर पानी नहीं डालोगे तो वो प्लांट मर जाएगा। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे हिडन डीप इन अर्थ अवे लिटिल बाय लिटिल डे इट ग्रू लिटिल बाय लिटिल इट स्लिप द ड्यू फाइंड द नेम ऑफ द फ्रूट ऑफ द योक ट्री फ्रॉम द अबाउ सेंटर स्टैंजा। ऊपर आपको जो स्टैंजर्स दिए हैं उसमें से हमें किन की बात हम कर रहे हैं वो हमें पता करना है। तो हम द नेम ऑफ द फ्रूट ऑफ द ओक ट्री इज कॉल्ड अकॉर्न। ठीक है, वेयर डिड द अकॉर्न सिंक द अकॉर्न सैंक इन द मॉस्टी बेड जो अभी हमने पढ़ा। थर्ड, हु वॉज इम्प्रूविंग एवरी डे अकॉर्न इज इम्प्रूविंग एवरी डे। वॉट डिड द अकॉर्न स्लिप एवरी डे अकॉर्न स्लिप्ड ड्यू एवरी डे। सिप करना मतलब मम्मी अगर आपके लिए मस्त रसना वगैरह बनाती है या मान लो और नींबू का पानी, नींबू पानी तो वो भी आप सिप करके पीते हैं, एकदम से झटपट नहीं पिएंगे, उससे क्या होगा बच्चों आपको टेस्ट नहीं आएगा। तो आप क्या करते हो सिप बाय सिप। तो जो ड्यू ड्रॉप्स पड़ते हैं सुबह के छोटे छोटे आपके लीव्स पे, उस पे बच्चों आपको वो उसके कहते हैं ड्यू ड्रॉप्स और वो एकॉन पानी के माध्यम से पीते हैं। देन यू गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन स्टैंजा दैट राइम विद द फॉलोइंग वर्ड्स दैट इज द डे डे अवे ग्रू ग्रू ड्यू। तो ये जो राइम कर रहे डे अवे ग्रू ग्रू वो सब हमारे पैराग्राफ में से ही हमें मिल जाने हैं। Downward in sent out a thread like root. Up in the air sprang a tiny shoot. जब downwards it came down कहते हैं वो send किया, छोटा सा thread like root था उनका पहले, तो फिर वो बड़ा होके air में sprang होके tiny shoot करके नीचे गिरा। कितना ब्यूटीफुल आयोजन किया है पोएट ने यहाँ पे कि वो पहले एकदम छोटा सा था थ्रेड जैसा, धागे की तरह बिल्कुल, उनके रूट से वो गिर पड़ा, हवे में तैरा और नीचे गिरा एक छोटे से टाइनी शूट से। डे बाय डे ईयर बाय ईयर लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर। तो धीरे धीरे उस पर लीव्स आने लगे, एकदम से तो बढ़ेंगे नहीं, एकदम से आप बड़े हो
नहीं, आप नहीं बढ़ते हो राइट, तो वो भी नहीं बढ़ेगा। आप धीरे धीरे बढ़ोगे तो वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आप भी हमारे छोटे छोटे पौधे होते हो, है ना। तो एंड लेंड ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड। तो ये फॉरेस्ट का जो प्राइड है बच्चों, वो हमारा ओक ट्री है, क्योंकि सब लोग उनको पूछते भी है कि इतना बड़ा ओक है ये हमारे। भारत देश की संपत्ति में है, तो वो हमारा भारतीय गौरव है कि इतने फॉरेस्ट में भी आपके पास इतने ब्रांचेस हैं, इतना अच्छा ओक ट्री है। और ये कौन सा फूल देता है वो भी आपको याद रखना है बच्चों। चलो नेक्स्ट पेज देखेंगे। व्हाट डिड द एकॉर्न सेंड डाउनवर्ड, द एकॉर्न सेंड आउट अ थ्रेड लाइक रूट डाउनवर्ड। उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा थ्रेड भेजा। आपको पता है बैनियन ट्री होता है, उनको अंदर से भी रूट्स होते हैं और बाहर से भी बच्चों रूट्स होते हैं। What sprang up in the air? A tiny shoot sprang in the air. तो वो जो रूट होता है वो शूट होके बाहर आया इन द एयर। जब उनकी गुटलियाँ गिरती है तब धूमधाम होके गिरती है, आवाज़ें करके गिरती है, तो उनको वो फ्रूट कहते हैं। और हवा में क्या गिरा, तो हवा में क्या गिरा, तो हवा में तो ये फ्रूट छोटा सा गिरा। द वर्ड अपियर मीन्स डैश सी टू बिकम विजिबल, विजिबल होना। फॉर एग्जाम्पल आपकी बर्थडे केक है, चलो बेस्ट एग्जाम्पल आपको देती हूँ। और आपने बोला है रचना मैम नहीं आएंगे तब तक मैं केक नहीं काटूंगी, ठीक है। तो मैं एकदम से आ गई आपके पास धड़ाम से, तो आप बोलेंगे देखो नो नो नो, आपकी फ्रेंड बोलेगी जाने दो काट लो, रचना मैम कोई आने वाले नहीं है, है ना। तो आप बोलोगे नहीं नहीं देखो मैम तो विजिबल है, देखो मैं तो देख पा रहा हूँ, आप शायद अंधे होंगे इसलिए आप नहीं देख पा रहे हो, है ना। तो टू बिकम विजिबल ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आपको पूरा वाक्य रचना याद रहे। फिर है व्हाट बिकम्स द फॉरेस्ट प्राइड, द माइटी ओक ट्री बिकम्स द फॉरेस्ट। मैंने आपको बताया कि ओक की इतनी व्याख्या है तो सब लोग प्राउड फील करते। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द अबाउट स्टैंजर्स विच यूज टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग। वो है हमारा कौन सा, शूट शूट टाइनी, ब्रांच ब्रांचेस शेल्डर, ओक ओक माइटी। तो इनको हमने क्या व्याख्या दी है। जैसे आप अच्छे बच्चे हो पढ़ते हो तो मैं आपको बोलूँगी कि सो एंड सो इज क्लेवर, तो ऐसी व्याख्या दी है बच्चों। शूट एकदम टाइनी है बट वो शूट करता है, यहाँ से वहाँ गिर पड़ता है और अपना काम निकलवा लेता है। ब्रांचेस स्लेंडर, स्लेंडर मतलब फूट फूट के लंबे होना। हु सेड द लिटिल, लिटिल बाय लिटिल, कौन सेड लिटिल बाय लिटिल, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, है ना। मम्मी अगर हमारे घर पे बिरयानी बनाई है तो वो भी बोलेंगे एकदम से ढेर से मत देना मम्मी, लिटिल बाय लिटिल आप ऐसे बोल सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके दो। थर्ड, अ स्पेस विच इज़ कवर्ड विथ मॉइस्ट इज कॉल्ड मॉसी वेल। येस, मैंने अभी बताया आपको जहाँ पे आपने ऑलमोस्ट सब खड्डा करके रखा है और उसमें पानी डाला है खूब ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और वो अच्छे से फ्रूट हमारी फ्लावर्स या जो भी हमने प्लांट किया है वो अच्छे से होगा। वेयर वॉज अकॉर्न लिविंग, द अकॉर्न वॉज लेइंग डीप इनसाइड द अर्थ। फिफ्थ, द अकॉर्न सिंक्स इन द मॉस्टी बेड एंड इम्प्रूव्स एवरी डे। यस, एकॉर्न वॉज प्लेइंग डीप इनसाइड द अर्थ। यस, तो वेयर इज एकॉर्न लाइन, तो डीप इनसाइड द अर्थ अगर वो होगा तो वो फ्रूट के बाहर आएंगे स्प्रिंग स्प्रैंग करके। द ओक ट्री सेड आई एम इम्प्रूविंग डे बाई डे। रॉन्ग, द एकॉर्न हाइड्स डीप इन द अर्थ।
हाउ डज द एकॉर्न ग्रो, बच्चों कैसे ग्रो करते हैं? तो एकॉर्न ग्रोज लिटिल बाय लिटिल ईच बाय स्प्रिंगिंग द लिटिल ड्यू एवरी डे. तो लिटिल सिपिंग, वो ड्यू जो मैंने बोला आपको बूंद बूंद गिरता है उसको सिप करते हुए आगे बढ़ते हैं. जैसे आप बहुत क्लेवर हो और मैं आपको खींच तान के कॉलेज में नहीं डाल सकती बच्चों. अगर आप थर्ड स्टैंडर्ड, अगर आप इतने होशियार हो तो मैं आपको नहीं बोल सकती कि आप बहुत ज़्यादा होशियार हो तो मैं अभी आपको कॉलेज में एडमिशन. आपको लिटिल बाय लिटिल मुझे देना है कि आज ये पोएम किया तो कल मैं आपको लेसन दूंगी, है ना. इंस्पायर्ड कि आप इतने होशियार हो, मैं ज़्यादा आपको नहीं. तो लिटिल बाय लिटिल बहुत ही प्यारा फ्रेज है, वो आप कहीं भी आप बड़ों से बात करते हो तब आप यूज़ कर सकते हो. कहने का तात्पर्य ये है, वेयर डिड द एकॉर्न गेट वाटर फ्रॉम? एकॉर्न गॉट वाटर फ्रॉम द ड्यू. उनको अलग से तो पानी भरने जाएंगे नहीं, आप तो हमेशा पानी दोगे नहीं. तो बारिश आती है, बूंदे आती है, तो वो इकट्ठा होती है, वो ड्यू के फॉर्म से वो पी लेते. गिव वन वर्ड टू ड्रिंक इन अ स्मॉल अमाउंट. तो आप बोलोगे सिप. जैसे आप कोकोनट वाटर पी रहे हो ना, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप सोडा वगैरह पियो बच्चों. सोडा आपके स्वास्थ्य के लिए ख़राब है, भले आपको अच्छा लगे. मेरी भी छोटी है, वो भी कभी कभार शुरू हो जाती है कि ये सोडा पीना है, वो सोडा पीना है. बट बच्चों आपको सोडा नहीं पीना है, स्ट्रिक्टली अवॉइडेबल है. पेप्सी वेप्सी तो बात ही नहीं होगी. तो आप कोकोनट वाटर, फ्रूट जूसेस, जैसे ताज़े जूसेस बना के देते हैं वो भी आप पी सकते हो, घर के पी सकते हो. बाहर के अवॉइड करना, प्रिजर्वेटिव होते हैं वो आपको अवॉइड करना है. तो यहाँ पे बोले मैम आप टू ड्रिंक इन अ स्मॉल अमाउंट बोला है, तो आप हमें ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि आप जब वो पीते हो तो आप सिप लेते हो, धड़ाधड़ धड़ाधड़ आप पीते नहीं हो, तो उसको कहते हैं सिप. तो ये हमारा वर्ड आया सिप. तो हम किसी को ऑफर भी करेंगे तो बोलेंगे हैव अ सिप ना, है ना. हम ऐसे बोलेंगे, अकेले तो सेल्फिश की तरह पियेंगे नहीं. तो इसके साथ हमारा ये 25th हमारा पेज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है बच्चों, ठीक है. इसमें कोई भी डिटेल हो आप देख लो. फिर लास्ट है 11th वाला. The acorn sent a thick root, yes or no, wrong. तो हमारा ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है बच्चों, 2 pages. आशा करती हूँ कि आपको पता चल रहा हूँ हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है. तो इसके साथ ही हमारा ये सेक्शन यहाँ ख़त्म होते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, पेज नंबर 26 पे.